Hey guys, hi, how are you all? मैं हूँ शाइनी, welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक शैम्पू का रिव्यू. एक्चुअली मैं इस शैम्पू को काफी दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड मेरी हेयर का जो प्रॉब्लम था, जो कि हेयर फॉल है, मैं कुछ दिनों से हेयर फॉल प्रॉब्लम फेस कर रही थी, यू ऑल नो दैट, जिसकी वजह से मैंने हेयर कटिंग भी कर ली है. ऑल्सो आई एम क्वाइट लाइकिंग माई हेयर कट और मैंने हेयर कट के बाद से ही एकदम से रिलीजियसली हेयर केयर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है. तो मैं शैम्पूज कंडीशनर्स चेंज करती रहती हूँ, बट जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ आई मेक श्योर दैट कि उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट काफी ज्यादा अच्छे हो, क्लीन प्रोडक्ट्स हो. क्लीन मतलब कि उसके अंदर कोई हार्श हार्मफुल केमिकल्स ना हो, ताकि मेरे हेयर पे कुछ भी डैमेज वगैरह ना हो. मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसमें जो जवा फूल होता है, मतलब हिबिस्कस फ्लावर, उस फ्लावर बेस्ड मैं कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि वो फ्लावर मैंने सुना है हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है. तो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मुझे ये वाला दिखा, विच इज दिस DNQ ऑर्गेनिक कोकोनट मिल्क एंड जवा पट्टी शैम्पू. नाउ इसके अंदर जवा पट्टी है, विच आई हैव ऑलरेडी सेड कि वो काफी ज्यादा हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, एट द सेम टाइम हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है. तो इसकी वजह से मुझे इसकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी लगी एंड यू ऑल कैन सी आई हैव यूज्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ इट. तो ये शैम्पू डेली बेसिस पर ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, मतलब जब भी वीक में मैं 2 times या 3 times इजिली मैं शैम्पू कर लेती हूँ. तो जब भी शैम्पू करती हूँ मैं इस शैम्पू को इस्तेमाल करती हूँ एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इससे इस्तेमाल करने के बाद कोई कंडीशनर भी यूज ना करें, फिर भी हेयर काफी ज्यादा मैनेजेबल, सिल्की सॉफ्ट रहते हैं. और इसके अंदर है कोकोनट मिल्क, जवा पट्टी और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कुछ नेचुरल हर्ब्स एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर. तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है वो मुझे काफी मिनिमम लगे और एसेंशियल लगे, मतलब बहुत ऐसे काफी सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं है. जो भी इंग्रेडिएंट्स है सारे ही हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेयर फॉल को रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, हेयर स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करने के लिए, हेयर लेंथ को अच्छे से क्लीन करने के लिए. इनफैक्ट ये बिल्कुल ड्राइंग नहीं है. कई सारे ऐसे शैम्पूज होते हैं जो आपको हेयर के आपके हेयर को बिल्कुल ड्राई बना देता है, बट इसे इस्तेमाल करके हेयर ड्राइनेस मैंने महसूस नहीं किया है. इनफैक्ट यू कैन सी अभी मैंने हेयर को 2 दिन हो गए हैं मैंने वॉश किया है, फिर भी यू कैन सी मेरे हेयर काफी ज्यादा सिल्की एंड मैनेजेबल लग रहे हैं. दिस इज द मैजिक ऑफ दिस शैम्पू ओनली, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, उसके बाद ही मेरे हेयर इतने ज्यादा फ्रिजी एंड ड्राई हो जाते हैं. बट इससे जब मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, जब से मैंने स्टार्ट किया है उसके बाद से 2 दिन हो जाते हैं, फिर भी माई हेयर लुक सो मैनेजेबल, सिल्की एंड सॉफ्ट. एंड यू कैन सी मैं अभी नए नए हेयर स्टाइल्स भी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि जब आपकी हेयर हेल्दी रहती है ना, तब हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से हो जाता है. सो आई लव द फॉर्मूला ऑल्सो, क्योंकि इसके जो फॉर्मूला है ना, यू कैन सी इसके अंदर छोटे छोटे कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स है. अगर आप ध्यान से देखोगे कि इस तरीके से पार्टिकल्स है, हाउ प्योर एंड हाउ नेचुरल इज द शैम्पू, कि इसके अंदर आपको पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं. ऑल्सो इसका जो प्राइस है, MRP है 590 rupees फॉर 300 ml ऑफ दिस बॉटल, बट ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी. तो जो भी लिंक है Amazon से मैंने परचेस किया है, तो मैंने जहां से परचेस किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, आप चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं. ऑल्सो इस शैम्पू को मेन, वुमेन, टीनेजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स जैसे पैराबन, SLS नहीं है, ये टोटली SLS एंड पैराबन फ्री है.
इस शैम्पू को आप वीक में ट्वाइस या थ्राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो इजिली इसे 3 times a वीक इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसकी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, विच इज द बोनस पॉइंट, क्योंकि फिर ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसके अंदर बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है जो आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करेगी। एंड इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी क्रीमी कंसिस्टेंसी है। हेयर ऑयलिंग आपने की है, एक वॉश में ही ये पूरे हेयर ऑयल को रिमूव कर देता है और ये हेयर को भी क्लीन करता है, स्कैल्प को भी काफी अच्छे से क्लीन करता है। सो आई कैन हाईली रिकमेंड दिस शैम्पू टू एवरीवन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाला शैम्पू। एंड इनफैक्ट मैं इसे रीपर्चेज भी करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हेयर के लिए ये काफी अच्छा वर्क कर रहा है, दैट्स वाई। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय गाइज।